अपने बेटे सोनू और बेटी सोनिया के साथ रहता है। उसकी बीवी का इंतकाल एक महीने पहले ही हुआ है। रवि शराबी किस्म का आदमी है और वो कोई काम नहीं करता। इसी की वजह से रवीश की बीवी का इंतकाल हुआ है, क्योंकि रवीश उसे रोज मारता था और शराब के लिए पैसे मांगता था। रानी रवीश की दूसरी बीवी थी। रवीश के बच्चे सुबह सो रहे हैं, तभी रवीश वहाँ आता है। अरे नालायकों, उठ जाओ और पैसे कमा कर ले आओ। अब्बू, हम कहाँ से लाए? अरे ज्यादा सयाना मत बनो, मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ। सौतेला बाप हूँ सौतेला। तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे कमा कर खिला सके। तुम दोनों के माँ बाप तो मर गए और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गए। मैं कहाँ से लाऊँ तुम्हारे लिए खाना? पापा, आप क्या कर रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब्बू, मुझे स्कूल जाना है। ओए, दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पैसे कमा कर लाओ, और शाम को पैसे लेकर ही घर लौटना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अबू, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। अरे ना 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 सोनिया, तू तो मेरी दौलत की चाबी है। तू तो मुझे रुपया देकर जाएगी, लेकिन शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। रवीश बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। सोनू और सोनिया दोनों काम की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन उन दोनों को काम नहीं मिलता। अब तक तो उनकी माँ कमा रही थी, तो इसलिए उन्हें बाहर की ज्यादा मालूमात नहीं है। भाईजान, लगता है आज उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ सोनिया, काम की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अब तक एक पैसे का भी काम हासिल नहीं हुआ। भाईजान, अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सोनिया, घर पर अम्मी नहीं है जो हमारे लिए खाना बनाएंगी। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ? अब्बू तो है ना? तुमने सुबह सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? देख, बहुत मार पड़ेगी अगर बिना पैसे लिए घर गए तो। अरे भाईजान, अब्बू की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हो? वो शराब के नशे में मजाक कर रहे थे। चलिए, जरूर अब्बू ने हमारे लिए खाना बनाया होगा और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तू तो जानती है ना कि अब तक अब्बू ने हमसे क्यों कुछ नहीं कहा था? क्योंकि अम्मी ने अब तक का राशन और शराब का इंतजाम पहले से ही कर दिया था। भाईजान, इतना मत सोचिए, चलिए घर चलते हैं, गर्मा गर्म खाना खाएंगे। गर्मा गर्म खाना नहीं, गर्मा गर्म थप्पड़ मिलेंगे। भाईजान, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए जल्दी से घर चलिए। सोनू और सोनिया घर पहुंचते हैं। रवीश बच्चों को देखकर दौड़कर आता है और खुशी से उन्हें चूमने लगता है। वाह, तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो। पैसा कमा कर लाए हो ना, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी जिंदगी ऐश से कटेगी। ला सोनू, अब तो मुझे अपनी पहली कमाई का दीदार करा दे, समझ गया? ला सोनिया, तू भी दे दे। सोनू और सोनिया सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अबू, हमें पैसे नहीं मिले। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि जाओ और जाकर झाड़ लो? उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि तुम जिस सांप के सपोले हो, तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हें भी बेल्ट और डंडों से मारना पड़ेगा। रवीश डंडा लाकर दोनों को खूब मारता है। दोनों बच्चे रोते हुए रात को भूखे ही सो जाते हैं। उन्हें अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। अगली सुबह दोनों भाई बहन एक चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देते हैं। ऐसा करते हुए काफी वक्त गुजर जाता है और सर्दी आ जाती है। एक दिन सोनिया का बाहर से कुछ खाने का दिल चाहा, तो सोनू ने उसे बाहर के मोमोज लाके दे दिए और दोनों घर आ गए। लाओ, आज के पैसे दे दो। अब्बू, आज पैसे नहीं है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब्बू, आज हमारा कुछ खाने का दिल चाहा तो हमने खा लिया। रवीश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सोनू और सोनिया की खूब पिटाई करता है और कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रवीश सोनिया को बेचने का इरादा कर लेता है। उसके बाद वो शहर से एक सेठ को घर में बुलाता है और 1,00,000 रुपए में उसका सौदा कर देता है।
रमेश, तुम अपनी बेटी को बेचना क्यों चाहते हो? मुझे शराब के वास्ते और कुछ पैसे बुढ़ापे के वास्ते चाहिए, और मेरा बेटा तो मेरे लिए कमा ही रहा है। बहुत खूब कही तुमने, मुझे अब सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ रमेश कि तुम्हारा बेटा महीने के कितने रुपए कमाता है? ये दोनों मिलकर महीने के 1500 रुपए कमा लेते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इन दोनों को मुझे दे दो। अरे वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया। सेठ रवीश को 5 लाख रुपए देता है और सोनू और सोनिया को ले जाने लगता है। दोनों आंखों में आंसू लेकर चल देते हैं। बच्चों डरो मत, मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी हूँ और मेरे पास बे इंतहा दौलत है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सोनू और सोनिया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सेठ उन्हें अपने घर ले जाता है और अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। फिर सोनू और सोनिया अरबों के मालिक बन जाते हैं। सेठ उन्हें बहुत